ये मजलिस क्या है, कभी गौर किया है? मजलिस किसे कहते हैं? है क्या मजलिस, है क्या मजलिस? बाकिर जैदी मरहूम के पाकिस्तान के शायर हैं, अमेरिका में मुकीम हो गए थे, बस गए थे जाकर, और इंतकाल हो चुका है कुछ अर्सा पहले। उनकी रूह को भी सवाब मिल जाएगा, उनकी रूह के सवाब के लिए चार उनका मर्सिये का एक बंद है मजलिस के हवाले से, जिसमें फरमाते हैं कि मजलिस क्या है। फरमाते हैं कि मीम से, मजलिस में कितने लफ्ज हैं, कितने हर्फ हैं? चार, मीम जीम लाम सीन। अब देखिए ये हुनर, शायरी का ये हुनर है कि बहुत सी बातें जो इंसान एक किताब में नहीं कह सकता, ये हुनर है शेर और शायरी का, एक शेर में पूरी किताब को समेट कर रख देता है। फरमाते हैं कि मीम से मस्कने जिगरे शोहदा है मजलिस, मीम से मस्कने जिगरे शोहदा है मजलिस, मीम से मस्कने जिक्रे शोहदा है मजलिस। मस्कन कहते हैं मकान को, जिस मकान में जिक्र होता है, सैयद शोहदा का वो बयान कर रहा है शायर। मीम से मस्कने जिक्रे शोहदा है मजलिस, जीम से जादे अरबाबे अजा है मजलिस, ज्यादा कहते हैं रास्ते को, जीम से जा रहे अरबाबे अजा है मजलिस, लाम से लज्जते अरबाबे विला है मजलिस, लाम से लज्जते अरबाबे विला है मजलिस, सीन से सिलसिले रस्म वफा है मजलिस, सीन से सिलसिले रस्म वफा है मजलिस, हम अजादारों को हर चीज से प्यारा गम है, हम इसी गम के लिए हैं ये हमारा गम है। अगर फर्शे अजा पर आकर इंसान को बोलने का हुनर ना आए तो फिर क्या फायदा? ये तो वो फर्श है जो बंद जबानों को भी कोयाई अदा करती है, बंद जबानों को भी कोयाई अदा करती है, ये वो फर्श है। और ये वो फर्श है, तवज्जो रखिएगा, कि जिस पर आकर इंसान आरिफ हक बनता, आरिफ हक बनता,